जय हिंद दोस्तों, हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान और ईवीएस अर्थात पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अर्थात दोस्तों सबसे तरंग दैर्ध्य लंबा किसका होता है, वो होता है लाल रंग का। अगर दोस्तों हम लोग वेवलेंथ के क्रम में देखें तो दोस्तों क्या होता है, बजानी हप्पी नालम देखे हो गए, इसमें क्या होता है लाल रंग बहुत दिखाई देता है। तो एक तरफ क्या होता है, सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, अर्थात दोस्तों वेवलेंथ मतलब दो तरंगों के बीच की जो दूरी होता है उसको ही वेवलेंथ कहा जाता है, अर्थात तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, जिसमें किसका सबसे अधिक होता है, लाल का होता है, और दोस्तों बैगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत बार पूछा जाता है। देख लेते हैं अगला, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु उपयोग किया जाता है वो वायु जो कौन सा जो है मंडल कहलाता है, वो है आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल। आयन मंडल में ही दोस्तों सैटेलाइट जो है उपस्थित होते हैं, वहीं से दोस्तों आसानी से जो है बेतार संचार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, और इसी आयन मंडल में दोस्तों आपका जो है ओजोन परत पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, ठोस की शुद्धता जो है निर्धारित की जाती है, किससे निर्धारित की जाती है दोस्तों, वो उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। अर्थात उसमें अशुद्धि रहने पर उसके गलनांक जो है कम हो जाता है। ठीक है, अगर उसकी अशुद्धि में कि अगर हमको उसको शुद्धता ज्ञात करना है, अगर उस ठोस पदार्थ में अगर अशुद्धि मिली हुई है तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी समय से पहले ही गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो शुद्ध है तो वो अपने टेम्परेचर पर जा करके ही गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अशुद्धियों को ज्ञात करने के लिए उसके गलनांक बिंदु के द्वारा उसकी शुद्धता की पहचान की जाती है। देख लेते हैं अगला पॉइंट, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों जिसमें कीड़ों के अध्ययन को किया जाता है उसको एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे अध्ययनलॉजी है, अध्ययन किए जाते हैं, उसमें वो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है दोस्तों, उसमें मधुमक्खियों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको एपिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। तो खून को कमी जो सॉरी खून को बहने से जब रोकने का जो काम करता है वो विटामिन के करता है। अर्थात दोस्तों जो है पूरी तरीके से थ्रोम्बोबिन बनाता है, अर्थात प्लेटलेट की उपस्थिति में जो है पूरी तरीके से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पूरी तरीके से थक्का जमा देता है। ठीक है, और वहाँ पास मेन उसका काम होता है विटामिन के की। ठीक है, विटामिन के जो है दोस्तों ब्लड में उपस्थित होता है। ठीक है, और ब्लड में जो दोस्तों कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया ही होता है। ठीक है, जो विटामिन के को ही दर्शाता है। अगला देख लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है प्रयुक्त होता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है वो है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, और दोस्तों और इसका जो है मापने का जो एक और जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डेसीबल। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला, कैलोरी यूनिट क्या है। तो कैलोरी यूनिट क्या है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, जैसे हमने अब देखा कि जो है मनुष्यों को कितना कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या होता है, 3 कैलोरी का अंतर होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है। तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा मिलती है वो रासायनिक रूप में मिलती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन आपने देखा होगा जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, हल्के नाभिक जो है छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है जिससे भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है, और उससे भी ज़्यादा दोस्तों नाभिकीय संलयन में मिलता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, सूर्य में पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है। तो दोस्तों ये हवा के साथ जो मीथेन मिलता है उस वजह से अधिकतर धमाके होते हैं कारखानों में, जिसकी वजह से बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने में भी आसानी हो जाती है। चलिए अगला प्लस पॉइंट देख लेते हैं, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो केल्विन पैमाना, अल पैमाना अलग अलग दोस्तों तापमान को मापने के लिए। तो ये केल्विन स्केल जो है केल्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, इसलिए केल्विन स्केल में जो है हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 310 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों सामान्य ताप पर देखें तो 32 से 33, और फ़ारेनहाइट में देखें तो दोस्तों 98.3 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला, सूर्य ग्रहण होता है जब। अब दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो दोस्तों एक तरफ हमारा क्या है, ये सूर्य है, और बीच में क्या, ये इधर क्या है, हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। मून जब क्या होता है, बीच में आ जाता है, तो क्या होता है, हमारा सूर्य ग्रहण होता है। जब ये अर्थ जो है बीच में आ जाएगा, ठीक है, अर्थात ये चंद्रमा जब घूम के इधर आ जाएगा और बीचों बीच एक सीध में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मून जो है हट जाएगा, मून कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, और अर्थ बीच में आ जाएगा, तब उसको सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, बहुत से सिंपल से इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पॉइंट देख लेते हैं, शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल क्या है दोस्तों, प्राथमिक सेल है, और ये बहुत ही हल्का होता है, इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, उसमें जो है सॉरी इलेक्ट्रिक निकलता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला, यूरिया को प्राप्त
प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह स्रोत है, किसका स्रोत है, नाइट्रोजन का, क्योंकि यूरिया में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन NH2CO NH2 के नाम से क्या है, इसका फार्मूला है, ठीक है, NH2 या इसको ट्वाइस भी लिख देते हैं और यहाँ पास ही इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से भी दोस्तों दो तीन तरीके से इसको लिखा जाता है, NH2CO NH2 इसका क्या है, फार्मूला है। चलिए देख लेते हैं अगला, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में कितना लीटर जो है कोई भी तरल पदार्थ आता है, वो है 159 अर्थात 159 लीटर जो है तरल पदार्थ आता है। उसी तरीके से एक गैलन की बात करें दोस्तों, तो उसमें 6 लीटर जो है आपका जो है तरल पदार्थ आता है। चलिए बात करते हैं अगला, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है। तो दोस्तों 71% भाग जो है समुद्रों द्वारा घेरा गया है। अब इसके बाद जो बचा है वो क्या है, हमारा पृथ्वी है, पहाड़ है, पठार है, ठीक है, जमीन है, खेत है, घर जहाँ पास बनाए हैं वो है, शहर है, गांव है, ये सब क्या है, जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो 71% जो भाग है हमारा पृथ्वी का सतह ही घेर चुका है। देख लेते हैं अगला, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों, वो उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या फिर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, उसका परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। इसमें तो मेन परफेक्ट जो रीज़न है दोस्तों, उसमें क्या है, प्रोटॉनों की संख्या ही है, ठीक है। जितना प्रोटॉन है उसका परमाणु क्रमांक भी उतना ही होगा, ठीक है। और परमाणु भार बोला जाएगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है उसको परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेन पॉइंट, प्रकाश का रंग मूल रूप में निर्भर करता है। दोस्तों प्रकाश का रंग मूल रूप में निर्भर करता है किस पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। हमारा उसका तरंग दैर्ध्य जो है दोस्तों जो है कितना रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो दिखेगा। देखिए अगर वेवलेंथ क्या बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, वो रेड रंग का दिखाई देगा। अगर वही दोस्तों वेवलेंथ बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत ही पास पास होगा, तो वो दोस्तों बैंगनी या नीला रंग का दिखाई देगा। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है प्रकाश का रंग, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु हमको क्यों दिखाई देता है, जैसे यहाँ पास लिखा ये काला रंग का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से काला रंग को अवशोषित कर रहा है, बाकी रंग को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। तो आपको व्हाइट रंग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है पूरी तरीके से व्हाइट पूरे रंगों को अवशोषित कर रहा है, कोई भी रंग को क्या है, परावर्तित नहीं कर रहा है। ये लाल रंग आपको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों पूरी तरीके से यह लाल रंग को अवशोषित कर रहा है और बाकी जो रंग है उसको पूरी तरीके से परावर्तित कर दे रहा है। इस वजह से ये इसका रंग जो है, जैसे ये लाइन खींचा, ये रेड रंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मेन रीजन यही है। चलिए अगला प्रश्न पॉइंट देख लेते हैं, शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। तो शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम जो है अधिक होता है और हवा में आर्द्रता होती है। तो हवा में आर्द्रता अर्थात नमी होती है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, पसीना बहुत अधिक निकलती है। आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो बादल आता है उस समय क्या होता है, पूरी तरीके से हल्का सा गर्मी होता है तापमान, और उसका मेन रीज़न क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। बादल जब बन जाता है दोस्तों, तो बादल बनने के पश्चात सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें अंदर तो आ जाती है पृथ्वी में, लेकिन बाहर नहीं जा पाती। इस वजह से क्या होता है, ये एक आवरण के रूप में काम करता है, कौन, ये बादल। इस वजह से क्या होता है, तापमान धीरे धीरे बढ़ जाती है, और इस वजह से क्या होता है, हमको जो है पूरी तरीके से इसमें गर्मी महसूस होती है। तो इस तरीके से ये जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझने है उसको ज़रूर पूछिए। और भी बहुत सारे पार्ट इसको मैं बना चुका हूँ दोस्तों, उसको भी देखिए, और बहुत सारे पार्ट भी लाने वाला हूँ, ठीक है। और मैथमेटिक्स देखने के लिए, मैथमेटिक्स का ट्रिक के लिए प्लेलिस्ट बना करके रखा है, ओल्ड क्वेश्चन का पेपर का भी प्लेलिस्ट बना करके रखा है, उसको भी चेकआउट कर लीजिए। कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।